भारत को प्राचीन काल में यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा जाता है कि मध्यकाल में जब भारत पर कई आक्रमण हुए तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी धन संपदा को बचाने के लिए छुपा दिया। इनमें से कई खजाने इतने विशाल हैं कि आज की तारीख में भारत की आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। ऐसे ही एक खजाने के बारे में कहा जाता है कि वो राजस्थान के जयगढ़ किले में छुपा है। जयगढ़ के किले का निर्माण जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि इस किले में आज भी अरबों खरबों का खजाना सोना चांदी और रत्नों के रूप में छिपा हुआ है। सवाई जयसिंह मुगल बादशाह अकबर के सिपहसालार थे और कहा जाता है कि उनकी वीरता के प्रभावित होकर राजा मान सिंह और अकबर के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि राजा मान सिंह जिस किसी भी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे वहां बादशाह अकबर का राज होगा, लेकिन वहां से मिले धन संपदा पर राजा मान सिंह का हक होगा। पुराने दस्तावेज इशारा करते हैं कि अनेक युद्धों की जीत से मिले बेहिसाब धन दौलत को राजा मान सिंह ने कई किलों में छुपा कर रखा था। उनके पश्चात जयसिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ दुर्ग बनवाया था। कैसे पता चला इस खजाने का? दरअसल जयगढ़ के पुराने किलेदार के एक वंशज बालाबक्ष के पास चमड़े के कुछ दस्तावेज थे और जयसिंह खवास के पास जयसिंह का लिखा बीजक था। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने सरकार द्वारा घोषित इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट में खजाना बताने वाले को कुल संपत्ति के 2% भाग देने के लालच में सरकारी अफसरों को इस खजाने की सूचना दे। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत में बड़े ओहदे पर रहे राव कृपाराम के पुत्र राव किस्तूरचंद के परिवार ने इसी तरह के दस्तावेज जयपुर के आखिरी महाराजा सवाई भवानी सिंह को सौंप दिए थे, जिसमें लगभग वही सभी विवरण थे जो बालाबक्ष के परिवार के पास पाए गए बीजकों में थे। इसके अलावा अरबी पुस्तक तिलिस्माते अंबेरी में भी उल्लेख है कि जयगढ़ किले में 7 टांकों के बीच हिफाजत से दौलत छुपाई गई थी। इन सारी बातों से सरकार के कान खड़े हो गए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जयगढ़ किले में 5 महीने तक मिले बीजक के अनुसार इस खजाने के लिए खुदाई करवाई। भारत सरकार ने खजाना खोजने के लिए सेना की 37वीं इंजीनियर्स कोर को बुलाया और 5 महीने में खुदाई पूरी होने के बाद ये बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिला है। सेना ने इन सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उसके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गई। इस खुदाई में मिले सामान पर हमेशा ही विवाद रहा है, क्योंकि खुदाई के दौरान सेना के ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो जयपुर दिल्ली का राजमार्ग पूरे दिन बंद कर दिया गया और उसकी सुरक्षा में हथियारबंद सैनिक तैनात थे। अफवाह है कि यह सारा ऑपरेशन इंदिरा गांधी के आदेश और संजय गांधी के निरीक्षण में हुआ और ट्रकों का सारा सामान दिल्ली छावनी में रख दिया गया। हालांकि इंदिरा गांधी कहा कि यह कोई खजाना नहीं मिला, मगर इसी दौरान पाकिस्तान के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस खजाने से पाकिस्तान का हिस्सा मांग लिया। अगस्त 11, 1976 को भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा कि विभाजन के समय ऐसी किसी दौलत की अविभाजित भारत को जानकारी नहीं थी। विभाजन के पूर्व के समझौते के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। भुट्टो ने लिखा था कि पाकिस्तान को यह पूरी आशा है कि खोज और खुदाई के बाद मिली दौलत पर पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है वह उसे बगैर किसी शर्तों के दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लिखे अपने जवाब में कहा कि उन्होंने विधि विशेषज्ञों को डोट पाकिस्तान के दावे के औचित्य की जाँच के लिए कहा था। विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का कोई दावा ही नहीं बनता। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा कि जयगढ़ में किसी तरह का खजाना नहीं मिला। अब सवाल है कि आखिर खजाना गया कहाँ?
इसके जवाब में जयपुर राज परिवार का कहना था कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया था, पर दस्तावेज इशारे करते हैं कि मानसिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को डोट मोती डूंगरी में रख दिया था। इसकी पुष्टि कानौता के जनरल अमर सिंह की डायरी से भी होती है, जिसमें लिखा है कि मानसिंह ने जयगढ़ के किलेदारों को बदल दिया और भारी मात्रा में सामान यहां से लेकर कहीं और ले गए। कुछ पुराने लोग कहते हैं कि खजाने का पता चल गया था, लेकिन श्राप के डर से उसे निकालने की हिम्मत कोई न कर सका। तो कुछ लोग संजय गांधी की असमय मौत से भी इस खजाने को जोड़ते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार जयगढ़ के अंदर जब अफसरों ने जयसिंह खवास को डपट कर वास्तविक खजाने की जानकारी देने को कहा, तो जयसिंह खवास ने काल भैरव के प्राचीन मंदिर के तल को खोदने के लिए कहा था, लेकिन श्राप के बारे में भी चेताया था। इसके बाद ही सेना को खुदाई का काम दिया गया। हालांकि आपातकाल में खजाने की खोज के लिए केंद्र ने 25 फरवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह के प्रयासों से मई 1982 से ये किला दोबारा राज परिवार की संपत्ति बन गया। भवानी सिंह ने 11 दिसंबर 1982 को जयगढ़ का कब्जा लेने के 3 दिन बाद ही इस किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करा लिया। 27 जुलाई 1983 को किला सार्वजनिक हो गया, लेकिन आज भी इस खजाने को लेकर चर्चा और कहानियां चलती रहती है। भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनाया था। इसका जिक्र 9 शताब्दी के ग्रंथों मंख भी आता है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया। इसके बाद शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आजादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को